करनाल के नीलोखेड़ी जीटी रोड पर गांव बुटाना के पास हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये लूट 1,25,00,000 रुपए की हुई थी, जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि उनके बाकी साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, साथ ही साथ 83,90,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि करनाल नीलोखेड़ी जीटी रोड पर गांव बुटाना के पास 19 सितंबर को 1,25,00,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। गाड़ी का ड्राइवर ही साजिशकर्ता पाया गया है। बता दें कि नीलोखेड़ी नेशनल हाईवे पर 19 सितंबर की शाम को दिल्ली से पंचकुला जा रही इनोवा गाड़ी को रोककर 1,25,00,000 रुपए की लूट कर बदमाश फरार हो गए थे। पंचकुला निवासी पवन गोयल की शिकायत पर नीलोखेड़ी बुटाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पंचकुला निवासी पवन गोयल व्यापारी के ड्राइवर सुनील और मुंशी दिनेश को पेमेंट लेने के लिए दिल्ली भेजा गया था। दोनों दिल्ली से 1,25,00,000 रुपए लेने के बाद पंचकुला के लिए निकले थे। शाम 4 बजे जब गाड़ी नीलोखेड़ी के समीप पहुंची तो कुछ लोगों ने जीटी रोड पर इनोवा के आगे अपनी गाड़ी लगा दी और लूट को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और जांच शुरू कर दी थी। जब ड्राइवर सुनील से सख्ती से बात की गई तो उसने लूट की सारी वारदात बताई। ड्राइवर सुनील ने बताया कि जब वह दिल्ली से चले थे तो इस बात की जानकारी उसने अपने साथियों को दे दी थी, जिसके चलते उन्होंने लूट की वारदात की और फरार हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 2 दिन का रिमांड ले लिया है। वहीं बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि कब तक पुलिस बाकी आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लेकर बाकी पैसों की बरामदगी करती है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। कितने लोग अरेस्ट हैं? अभी रिसेंटली बुटाना थाने के एक जुरिसडिक्शन में लगभग 1,25,00,000 की एक लूट की घटना सामने आई थी, तो उस पर हमने FIR नंबर 280 दर्ज करके अंडर सेक्शन 392 एंड रेलिवेंट सेक्शंस में हमने इन्वेस्टिगेशन टेकअप की थी उसकी। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने जो 2 बंदे हैं सुनील एंड नवीन, उनको अरेस्ट किया है इन दिस रेफरेंस, और उनके पोजीशन से 83,90,000 लगभग 84,00,000 के करीब की रिकवरी है। इनमें से एक को चंडीगढ़ से और एक अम्बाड़ा से अरेस्ट किया है, बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उनकी धरपकड़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्लस इन दोनों को आज कोर्ट में माननीय न्यायालय में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेकअप की जाएगी, प्लस जो इनके आरोपी साथी हैं उनको उनके ठिकानों पर रेड की जाएगी इनकी मदद से, और जो बकाया अमाउंट है उसको भी रिकवर किया जाएगा। सर, ये आरोपी है कौन, मेन अक्यूज्ड कौन है इसमें? इसमें जो इन्होंने साजिश रची, दिल्ली से चंडीगढ़ कोई अमाउंट ट्रांसफर होना था, किसी जो कंप्लेंट है कंप्लेंट की अमाउंट थी लगभग 1,25,00,000 की, 1,25,00,000 जो रिपोर्टेड है हमारे पास, तो उसको वो जैसे इन ट्रांजिट थे तो इन्हीं के एक ड्राइवर ने ये सारा प्लान रचा। उसके कुछ साथी थे, उनके साथ मिलके इन्होंने प्लान किया। जब वहाँ से मूवमेंट हुई तो इसने आगे इन्फॉर्म कर दिया। उस इन्फॉर्मेशन पे 3 लोगों ने आके एक पोलो गाड़ी में जो फेक नंबर था तो उस पे इनको डिटेन किया वहाँ पे, और इनके साथ मारपीट करी और जो कैश थे वो लूट के ले गए। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए गहनता से पूछताछ करके अब जो प्रोग्रेस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी लोग जो हैं उनको भी जल्दी गाड़ी कहाँ से रिकवर किए गए पैसे? सर, इनका चंडीगढ़ से इन जो मेन जिसकी कार थी, कार का ओनर जो है उसी गाड़ी से रिकवर करे हैं, और चंडीगढ़ से रिकवर करे हैं। वहीं गाड़ी भी बरामद किया गया, गाड़ी भी बरामद है, गाड़ी के साथ इतनी अमाउंट बरामद है। बाकी जो पेंडिंग अमाउंट है बकाया आरोपी जो रहते हैं उनके पोजीशन से रिकवर किया। सर, इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी वकील के साथ कनेक्शन है, उसी के क्लाइंट इन्होंने फिर 3-4-5 लोगों ने एक गैंग बना के और इस घटना को अंजाम दिया है। और बाकी जो भी इसमें एविडेंसेस हैं उस बेसिस पे ये इट क्लियरली प्रूव हो रहा है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है, प्लस केस हमने अपना ट्रेस कर लिया है, बाकी लोगों को गिरफ्तार करके। कहां मामला दर्ज है? ये बुटाना थाने में मामला दर्ज है और 83,90,000 रुपए रिकवर हो चुके हैं इसमें सिंगल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.